इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी 8 फरवरी को 26 साल के जवाहरलाल नेहरू और 17 साल की कमला की शादी हुई। 19 नवंबर को जवाहरलाल और कमला के घर इंदिरा का जन्म हुआ। इलाहाबाद के आनंद भवन में उनका बचपन गुजरा। नवंबर 1924 में उनका एक भाई पैदा हुआ, लेकिन 2 दिन बाद ही उसका निधन हो गया। मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ। इंदिरा को डे बोर्डिंग के लिए पूना भेज दिया गया। 26 मार्च 1942 को इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी की। इंदिरा और फिरोज के यहां पहले बेटे राजीव का जन्म हुआ। दिसंबर 1946 में उनके यहां दूसरे बेटे संजय का जन्म हुआ। इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इंदिरा ने खुद को देश सेविका बताया। हरित क्रांति की नींव रखने का साल। इस दौरान कृषि में सरकारी निवेश काफी बढ़ा, खेती के लिए उपलब्ध संस्थागत फाइनेंस बढ़कर दोगुना हो गया। 1971 में हुए चुनावों में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 में ही बांग्लादेश के उदय में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, जिसे उनके कार्यकाल का सबसे विवादित और बदनाम दौर कहा जाता है। चुनावों में इंदिरा को हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने फिर सत्ता में वापसी की। जून 1984 में उन्होंने स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना भेजने का फैसला लिया। 31 अक्टूबर को वो दिन की शुरुआत ही कर रही थी जब उनके अपने 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।